उज्जैन के बड़नगर तहसील में भैंसला गांव में प्रथम वर्ष संपूर्ण विश्व का भला हो ऐसी कामना को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया। बच्चों में धर्म संस्कृति की जानकारी हो और वह ज्ञान को प्राप्त कर बेहतर काम कर सके, इसलिए स्थानीय रहवासी और आम नागरिकों ने प्रथम वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाया, जहां पर 7 दिन तक बड़ी संख्या में स्थानीय भक्त, श्रद्धालु, आम नागरिक पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा को सुना और यहाँ पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए विशाल भंडारे में प्रसाद वितरण भी किया गया। करीब 23,000 रुपए की धनराशि आई, जिसे गौशाला में दे दिया गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महापुरुषों के मुख से निकलने वाली ज्ञान गंगा भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा है। कलयुग में रामायण में आया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो केवल परमात्मा का नाम सुमिरण करना ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। यहाँ पहली बार हम भागवत जी करवा रहे हैं। मन में ख्याल आया कि भागवत जी सुनने से सबका कल्याण होता है, सर्व पूरे गांव का कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है। इसीलिए सब मन में ख्याल आया कि अपन भागवत जी करवाएं, अपना भी उद्धार होगा और गांव का भी एक साथ में होगा। भाऊ जी, देखें, अपन आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल की वजह से वो रामायण नहीं पढ़ पाते, धर्म पर जा नहीं पाते हैं, पर इससे किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बेहतर राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए बेहतर क्या सीखते हैं बच्चे? इसी उपदेश को लेकर हम यही करवा रहे हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी हमारी भी इस चीज़ को लेकर चले और इससे कुछ ज्ञान रख कर शिक्षा ले और भागवत जी रामायण जी के चरित्र के ऊपर कुछ व्यवहार आचरण करके चले उनका साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।